डिस्क्लेमर, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध वीडियो को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मोहम्मद अली जैसे लोग भारत को तोड़ने की हमेशा कोशिश करते आए हैं, बल्कि ये कहें कि ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, इसीलिए आतंक का सहारा लेते हैं। हमेशा इनके मुंह से मारने काटने की बात ही निकलती है। इस बार जब समीर की स्ट्रीम में मोहम्मद अली आया तो समीर भाई ने उसी के अंदाज में उसके पिछवाड़े भूसा भर दिया। पर ये लोग इतने बगैरत हैं कि कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मोहम्मद अली साहब, आपका इस्तकबाल है जी, कैसे हैं? अच्छा समीर, चलो सच वाला पे बाद में आएंगे, मगर मैं तुम्हारी दो तीन बातें करता हूँ मैं तुमसे। अच्छा देखो, आपने अभी बोला कि क्या नाम जी, कुरान मजीद जो है वो कॉपी पेस्ट है, क्या नाम बाइबल का असल, क्या नाम ये क्रिश्चियंस और यहूदियों की जो किताब है उसका कॉपी पेस्ट। यहाँ पर ये बात आती है कि जो परवरदिगार जो अल्लाह जो है वो एक बाइबल को उतार देता है यहूदियों के लिए, तौरात को उतार देता है, तो क्या वो कुरान मजीद नाजिल नहीं कर सकता? समझना बात को। तो ये जो चीज है, ये जो दावा है, अच्छा चले जी एक किताब है जिसको आप कहते हो कि ये बेसलेस है और इसमें कॉपी पेस्ट है, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। अच्छा आप बहुत बड़े फिलोसफर हो कि 1.5 अरब मुसलमान जो है वो इस बात को नहीं समझ सके जो आप और आपका गैंग जो है साबित करने के ऊपर लगा हुआ है, जिनकी कोई इल्म फजीलत कुछ भी नहीं है। आप सभी लोगों ने मोहम्मद अली जैसे लोगों से हमेशा ये बात सुनी होगी कि 1.5 अरब मुसलमान का बेवकूफ है, इस बात का अर्थ आप क्या निकालते हैं? अच्छा तीन बातें आपने कर ली, मैं फिर भूल जाऊंगा एक बात ली। पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि तौरात और इंजील अल्लाह ने उतारी है, मैंने ये कहा है कि कुरान ऐसा क्लेम करता है कि उसने उतारी है। दूसरी बात, जब भी कहा है मैंने, वो कुरान और मैंने मोमिनों का बिलीव बताया है, और जब भी मैंने बताया है सिर्फ इस्लाम के नैरेटिव से बताया है, क्योंकि यहूदी और ईसाई दोनों ही नहीं मानते कि उनकी किताबें अल्लाह ने उतारी हैं। वो ये मानते हैं कि उनकी किताबें जो है वो हवारी जो थे ईसा के और मूसा के जो हवारी थे उन्होंने वो तौरात और इंजील लिखी है, तो वो दोनों नहीं मानते कि ये अल्लाह की किताब है। लेकिन आपका अल्लाह ये दावा ठोकता है उन किताबों के ऊपर कि ये मैंने उतारी है, इसलिए मेरा मानना ये है कि आपका अल्लाह ही सिर्फ झूठा है जो दूसरे के किए हुए कामों का क्रेडिट तो लेता ही है, और जो काम उल्टा पुल्टा अपना किया है उसको गलत होने के बाद भी सही साबित करने का काम करता है। दूसरा आपने पॉइंट रखा है तादाद के ताल्लुक से, कि तादाद 1.5 अरब जो है लोगों की है, आप गलत हैं, 1.5 बिलियन नहीं है, एक्चुअली 1.8 बिलियन मुसलमान है, 1.5 अरब से ज्यादा। लेकिन आपने ये कहा कि इतनी तादाद फॉलो करती है तो वो सब के सब बेवकूफ है, क्या बेवकूफ नहीं है, ब्रेन वॉश है, और ब्रेन वॉश के साथ साथ मजबूर है। और ये तो आप जैसे लोग आकर के ये बोलते हैं कि जो मुर्तद है उसकी सजा सरतन से जुदा है, इसलिए आप जैसे पीसफुल लोगों के डर से लोग ये करार नहीं कर पाते कि उन्होंने इस कल्ट को, इस झूठे मजहब को छोड़ दिया है, तो आधे एक्स मुस्लिम हैं जनाब, आधे एक्स मुस्लिम हो चुके हैं जो कह नहीं सकते आप जैसे गुंडे और आप जैसे बदमाशों की वजह से कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। और अगर चले फिर भी एक पॉइंट एक मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि 1.8 बिलियन की जो तादाद है उसमें से 1.8 बिलियन पूरे के पूरे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो तादाद ज्यादा होने से अगर कोई चीज सच्ची हो जाती है तो क्रिश्चियंस की तादाद तो आपसे बहुत ज्यादा है। एथीस्ट जो है, एथीस्ट वो दुनिया बिलीव के अगर एतबार से देखेंगे तो नंबर 2 पर इस्लाम आता है क्रिश्चियनिटी के बाद, लेकिन अगर तमाम तरीके की सोच को अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर एथिज्म आता है सर, इस्लाम नहीं आता। नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी, दूसरे नंबर पे एथिज्म आता है विद 2.1 बिलियन पीपल नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन एंड एनी गॉड इन द वर्ल्ड, और वो लोग आपसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से तो क्रिश्चियनिटी और एथिज्म दोनों ही आपसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी मानने वालों की तादाद ज्यादा है। और अगर तादाद ही इसका इस बात की किसी की हकानियत की दलील है तो फिर तो कोरोना सबसे बड़ा खुदा था, क्योंकि इतनी तेजी से फैला और इतने लोगों को इन्फेक्ट किया जिसकी कोई तादाद नहीं, इस्लाम की भी तादाद नहीं है जी। बात यह आ रही है कि क्या ना, इतनी बड़ी तादाद जहां पे अरबों लोग इंसान जो है वो उसके अंदर आप जैसे फिलोसफर क्रिश्चियन समझना, पॉइंट समझना, आप जैसे तुफैल चतुर्वेदी जैसे और सच वाला जैसे लोग जो है, जो सो कॉल्ड प्रोफेसर है, वो यहाँ पर आकर डिफाइन करेंगे कि इस्लाम में क्या क्या चीजें गलत है। कहने का मकसद ये है कि जो जिस रस्ते पर निकले हो, और मैंने वो सेरेमनी भी देखी थी आपकी जहाँ पर आपको चादरें वगैरह पहनाई जा रही हैं और बड़ी अप्रिसिएशन की जा रही है, खैर वो एक अलग बात है, मगर मैं कहता हूँ कि आपने कील ना सिर्फ अपने आपके सिर्फ सर में कील ठोकना रह गई है। असल में इन जैसे लोगों के दिमाग में इस्लामी कील ठुकी हुई है, इसीलिए ये हर एक के सर में वही कील ठोकना चाहते हैं। बस वो इंशाल्लाह हम ठोकेंगे,
या हमारे जैसा कोई मुसलमान ठुकेगा, मगर यह है कि आप जितने फिलोसफर हो हम आपके आपको बेहतर तरीके से जानते हैं, आप इतना सनातन नहीं जानता होगा जितने हम जानते हैं आपके बारे में। सर प्लीज आई एम सॉरी टू से, मेरा यहाँ गुंडा बोलने का मतलब आपको आपके करेक्टर पर उंगली उठाना नहीं है, असल में किसी को उसके बिलीव के बिहाव पर कि जो उसका दिल कर रहा है वो मानने के बावजूद उसको कत्ल कर देने वाला और उसको मार देने वाला गुंडा नहीं टेररिस्ट होता है। मैंने आपको छोटा बड़ा कहा था, आई एम सॉरी गुंडा, आप लोग गुंडे नहीं, आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग आतंकवादी हैं, जो आप लोग किसी को उसकी मर्जी उसकी चाहत के साथ जीने नहीं देना चाहते। अगर उसने आपके बिलीव को छोड़ करके आजादी अख्तियार कर ली तो आप कहते हैं सर तन से जुदा करके काट डालेंगे तुमको, क्यों? क्योंकि तुमने उस बात को सच मान लिया जो हम चिल्ला चिल्ला करके झूठ कहते हैं कि इस्लाम में फ्री विल है। मैं खुदा को ना मानू, मानू या ना मानू, आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो मान रहे हैं ना, तो आप अपने अपने अमाल का जो अंजाम है वो भुगतेंगे, मैं अपने अमाल का अंजाम भुगतूंगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोग हमारी गर्दन काटना चाहते हैं क्योंकि हमने उस फ्री विल का इस्तेमाल कर लिया जो आपने झूठ बोला था कि इस्लाम में फ्री विल है, क्योंकि है नहीं। अगर होती तो फिर मुझे इस्लाम छोड़ने पर यहाँ कोई भी मोहम्मद अली नाम का गुंडा टेररिस्ट आकर के ये नहीं बोलता कि तुम्हारा इलाज हम करेंगे या हमारा जैसा मुसलमान करेगा। अभी तुम हो कौन? खुदा हो तुम? तुम्हारा खुदा कहता है कि मैं आखिरत में सबका हिसाब लूंगा, मैं सबके आमाल को तोलूंगा, फिर मैं सबका फैसला करूंगा। जब तुम्हारा खुदा बैठा है आखिरत में हमारा फैसला करने के लिए, सो हू द हेल आर यू? हम ही वो लोग होते हैं जिसकी वजह से मिस्टर सचवाला छुपते फिर रहे, हमारी डॉक्सिंग की वजह से, यानी कि जिन लोगों ने भी डॉक्सिंग की है। इसकी बात तो कुछ सुना आपने, ये बंदा पाकिस्तान में बैठकर सचवाले जी की डॉक्सिंग करवा रहा है, क्योंकि इसके बंदे यहाँ एक्स मुस्लिमों के चैनल पर मॉड बनकर प्लांट किए गए हैं। मेरी वजह से नहीं, मगर जिस दिन से उनका पासपोर्ट मंजर आम पे आया है, लोगों ने उनका पासपोर्ट यानी कि शो ऑफ करा है, उनको उनकी हैसियत का पता चल गया। अच्छा, किस बंदे के पास उनका पासपोर्ट था, किस बंदे से वो छुपते फिर रहे, कहाँ से कहाँ तक बचेंगे? देखो, अगर हम अपनी सच्चाई पे खड़े पे तो हम अपनी सच्चाई का जवाब दे खुद है, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमने तुमको जवाब नहीं देना। हाँ, बस ये है कि हमारे हुक्म के हिसाब से, हमारे मजहब के हिसाब से आपकी जान लेना हमारे पे फर्ज है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो इस्लाम को मानने से इनकार कर दे उसकी जान लेना इन लोगों का फर्ज है। आपकी जान ली जाएगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब सचवाला जो अपना चैनल बंद करके छुपते फिर रहे, जगह चेंज करते फिर रहे, पासपोर्ट की कॉपी कहाँ से आई, किसको दी थी, क्यों मंजर आम पे आ गई, जाके सवाल करो ना। कहने का मकसद ये है कि इतना फिर डर खौफ किस बात का? अब आपको तो बचाने वाला कोई ना कोई होगा ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? जिस तरह समीर सामने आ गया तो सचवाला सामने आने से क्यों डरते हैं? आए ना सामने। अभी समीर आपका वो कद काट नहीं हुआ उस लेवल का कि या साहिल का कि आपको कोई बंदा हाथ डाले, मगर यह है कि क्या नाम सच वाले का जरूर यकीनी तौर पे कथकाट इतना है कि उसको जैसे ही सामने आएगा इंशाल्लाह उसके साथ वही होगा जो हम बार बार कहते हैं। बाकी है कि क्या नाम, मैंने एडम के हवाले से भी एक बात कही थी, एडम ने खुद कहा कि मुझे पता है तुम मेरे साथ क्या करोगे। मैं कहता हूँ कि अगर इतने ही यानी कि शौक है, इतना ही यानी कि दीन के अंदर बिगाड़ का शौक है, तो एडम का एक दफा आता पता दे दो ना, फिर लग पता जाएगा। एडम का हम तो चैलेंज करते हैं बार बार कि एडम की अम्मा भी आएगी पाकिस्तान, उसका बाप भी आएगा पाकिस्तान, एडम भी पाएगा पाकिस्तान। खैर आ रही भाई, हमने अपनी जो बात रखना थी वो मैंने आपको ओपनली रखी है, और थैंक यू कि आपने मुझे स्ट्रीम में जगह दिया, थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे बस एक सवाल किया था, उसका आपने जवाब ना देकर के ये साबित कर दिया कि आप वाकई जो है दोगले हैं, डबल स्टैंडर्ड है आपका। तो मैंने ये कहा था कि जब फैसला आपका अल्लाह करेगा आखिरत में कयामत के दिन, तो आप किसी को सजा देने वाले कौन होते हैं? आपने उसका जवाब नहीं दिया, और ये जवाब ना देकर के आपने साबित किया है कि आप जो है अपने अल्लाह की भी नहीं मानते, और आप सिर्फ जो है ना ढोंग करते हैं इस बात का कि आप अल्लाह की मानते हैं, क्योंकि आप खुद अल्लाह की नहीं मान रहे हैं काम करके। समीर एक मिनट, मैंने आपको एक दफा नहीं 50,000 दफा बोला है, स्ट्रीम में ही बोला है कि ये जब हमारे कुरान मजीद अहदीस के अंदर आप लोगों के बारे में क्लियर कट आया हुआ है, तो हम आपको क्यों बार बार यानी कि इस बात का रेफरेंस दें? आपको नहीं मालूम क्या मैंने आपको क्या नाम इसके ऊपर बोला हुआ है क्या, या बताया हुआ है कि हमारे मजहब का हिस्सा है, हमने मुर्तिद के साथ वही करना है जो हमारे मजहब में लिखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये मानते हैं क्या मोहम्मद अली साहब कि आपका अल्लाह जो है वो मोहताज है हम लोगों को सजा देने में, हम लोगों का कुछ बिगाड़ने में, जो उसको आप जैसे नापाक और आप जैसे गुनाहगार इंसान की मदद की जरूरत है हम जैसों को सजा देने के लिए? आपका अल्लाह तो पावरफुल है ना, कादिर है ना, तो जब अल्लाह अब मोहम्मद अली हमारी गर्दन क्यों नहीं काट सकता? मोहम्मद अली ने 100 बार ये कहा है कि मैं मजबूर हूँ कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान में हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन नहीं काट सकता क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ तो मैं मान गया कि चले मोहम्मद अली तो मजबूर है, मोहम्मद अली की तो मजबूरी है, अगर उसको कुदरत होती तो वो जरूर हमारी गर्दन काट डालता। लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारा अल्लाह तो कादिर है ना, तुम्हारे अल्लाह के पास तो कुदरत है ना,
वो तो मजबूर नहीं है। तो जब तुम्हारा अल्लाह कुदरत होने के बाद भी हम लोगों के गले नहीं काट रहा है, तो जाहिलो तुम्हें तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारे गले नहीं काटना चाहता ना कटवाना चाहता है? क्योंकि अगर वो हमारे गले काटना कटवाना चाहता तो वो खुद काट देता भाई, वो तो कुदरत वाला है ना। तुम जैसे कमजोर मोहताज की जरूरत क्यों पड़ती है उसको हमारे गले कटवाने के लिए? ये आपको बात समझ में नहीं आ रही है क्या मोहम्मद अली? आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ना। अब आपने तो अपने तौर पे बोल दिया, बिल्कुल वो कादिर है, जहां पर वो कादिर है वो गफूर रहीम भी है। वो आखिरी सांस तक मौका देता है कि अपने गुनाहों से क्या नाम गुनाहों से माफी मांग लो, अपने गुनाहों से पलट आओ। तो हमें गुनाहों से माफी मांगने का मौका दे रहा है तो हु द हेल आर यू जो उस मौके से पहले मेरी गर्दन काटना चाहता है, कौन हो तुम? हाँ, ये अल्लाह ताला मौका दे रहा है, मगर उधर दूसरी तरफ हमारे पास भी ये यानी कि हक हासिल है कि हम आपके पास पहुंचे, गवाही ले है और आपके साथ वही करें। अगर आपकी गवाही हाँ ओके ओके एक मिनट मोहम्मद अली साहब, मेरे को समझ नहीं यहाँ पर ये कह रहे हैं अल्लाह कादिर है तो इस चीज पर कि वो हमारे गले काट देता या हमको सजा देता, लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है तो उसने हमको मौका दिया कि हम अपनी गलती सुधार लें, और आपको ये मौका दिया कि आप अल्लाह की अल्लाह का जो मौका है ना उसकी बात लगा देना। अल्लाह ने जो हमको मौका दिया हमारी गलती सुधारने का, आप ये कहो कि ए अल्लाह वल्लाह तू कौन होता है मौका देने वाला, रुक हम तेरे मौके की अभी बात लगाते हैं इसकी गर्दन काट करके, तू कौन है मौका देने वाला, हम काटेंगे इसकी गर्दन। तो मतलब तुम अल्लाह से भी ज्यादा ऊपर हो गए और तुमने अल्लाह के दिए हुए मौके को हमसे छीन लिया हमारी गर्दन काट कर, यानी अल्लाह तुम्हारा मोहताज होकर तुम पावरफुल कादिर हो गए, ये कहना चाह रहे हो? कुछ लोग सही कहते हैं, अल्लाह से बड़ा मुल्ला और मोहल्ला है। मुल्ला मोहल्ले को अपनी रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल करता है और एक दूसरे को कटवाने की बात करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप कहना चाह रहे हो। अच्छा, आप इतना डर क्यों रहे हो फिर, इतना डर खौफ क्यों है आप अपनी क्या नाम आइडेंटिटी हमारे से? आपको तो यकीन है ना कि क्या नाम आपको गलत नहीं कर रहे हो, सच वाला गलत नहीं कर रहा है, क्यों डर? एक मिनट मैडम, क्यों डर? अरे भाई मुझसे सच वाला जी के और एडम के बारे में सवाल मत पूछ रहे हो, वो उनका फैसला है, मेरे से मेरी बात कर रहे हो। मेरी आइडेंटिटी, एक मिनट, मेरी आइडेंटिटी कहां की हुई है? मेरा नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने है, इंडिया में रहता हूँ, ढूंढ के मार डालो मुझे, मेरी आइडेंटिटी कहां छिपी हुई है? मैं तो वही कहता हूँ ना, जो फिर इस जब ये बात सुनता हूँ ना आपकी, मैं तो मैं फिर वही बात कहता हूँ कि वो इंडिया का बेगैरत मुसलमान जो वहां पे बैठा हुआ है वो आपके सरों तक क्यों नहीं पहुंचता? कहने का मकसद ये कि वो तुम्हारी तरह टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह टेररिस्ट नहीं है, तुम टेररिस्ट पैदा करते हो, तुम टेररिस्ट को पहले सुनो तो मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इंडिया का जो मुसलमान है वो टेररिस्ट क्यों नहीं है? तुमसे मतलब है तो बहुत कमीना, बहुत हरामी भी है तुम्हारे जैसे, इंडिया में कमी नहीं है तुम्हारे जैसों की भी, तुम्हारे जैसे टेररिस्ट भी बहुत है, लेकिन मोस्टली नहीं है। मोस्टली पता क्यों नहीं है? इसकी दलील क्या है कि मोस्टली टेररिस्ट नहीं है? वो इसलिए कि तुमने टेररिस्टों को फंडिंग की, तुमने टेररिस्टों को अपनी गोद में खिला बैठा करके खिलाया पिलाया, उनको पाला पोसा, उनको मजबूत किया, आज वो तुम्हारी अपनी मस्जिदों में बम बांध कर फट जाते हैं नमाज पढ़ते हुए, तुम्हारी अपनी मस्जिदों में बम बांध करके फट रहे हैं, ये है इस्लाम। अरे वो अल्लाह के घर को नहीं छोड़ रहे, तुम्हारी मस्जिदों को नहीं छोड़ रहे, वहां फट जाने तमाम, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, फटने वाला भी मुसलमान, फड़वाने वाला भी मुसलमान, और फटने वाली तुम्हारी मस्जिद है। सुनो मेरे को एक केस बताओ, एक मिनट मोहम्मद अली, अगर तुम हिंदुस्तान के मुसलमान को बगैरत कहते हो तो मुझे एक केस पूरे हिंदुस्तान से एक केस बताओ जहां पर ऐसा हुआ हो कि कोई मुसलमान मस्जिद में जाकर के फट गया हो, एक केस बताओ, और मैं तुम्हारे 10 केस बताता हूँ जहां मुसलमान ही मस्जिद में जाकर के फट जाते हैं बम बांध करके। तो बगैरत वो नहीं, बगैरत तुम हो, आतंकवादी तुम हो। अच्छा एक मिनट रुको ना, अब यहाँ पे रुको, तो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में मैं इनकार नहीं करूंगा ऐसा हुआ है, मगर उसके पीछे इंडिया की फंडिंग का हाथ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी भी यानी कि नजर आ रही है चीजें, अमृतपाल सिंह से लेके होने वाले दंगे फसादात, मुस्लिम हिंदू दंगे फसादात, उसमें कहीं ना कहीं हम तो ओपनली कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा हाथ है और पहले भी रहा है। अब तो आपको मुसलमानों से सिखों से दोनों से मोहम्मद अली ने सिखों की बात की, ये कमीना ये तो बताया हमारे सिख भाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा आतंक किसने बरपाया और हमारे सिख गुरुओं के साथ इस्लाम ने कैसा व्यवहार किया? मेरे को इतना बता दो बस, तुम हमेशा ये दंगे फसाद, अटैक, मार काट, खून खून बहाना, कत्ल करना, अरे सारी जिंदगी यही करते रहोगे क्या? तुम्हें कुदरत ने इंसान पैदा हुआ किया है, कभी तो इंसानी वाली बात कर, अरे कभी तो इंसानियत की बात कर, या तेरे अंदर से इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई, तेरा बगैरत हो चुका है मोहम्मद अली, कि जब भी बात करेगा दंगे फसाद की करेगा, हमले की करेगा, नफरत की करेगा,
कम से कम कभी तो प्यार मोहब्बत इंसानियत की बात कर मेरे भाई, बेशरम और बेगैरत वो एक्स मुस्लिम है जो इस मूछ भागे घूमते फिर रहे हैं। देखो एक बंदे का सिर्फ पासपोर्ट कॉपी सामने आई, कैसा दुम दबा के भागा है वो, कैसा दुम दबा के भागा, किस तरह यानी कि छुपता फिर रहा है, कैसे मुंह छुपा छुपा के यानी कि स्क्रीनों पे आ रहे। कहने का मकसद है कि अगर हम बेगैरत है तो आप लोग माँ बेगैरत हो, हम माँ बेगैरतों की यानी कि खात्मे के लिए बैठे हुए, हम इंतजार कर रहे हैं कि देखो ये भी आ, इनको भी इसी टाइम पे आ रहा था। चलो जी चलो जी।